हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. लेट अस कंटिन्यू आवर इम्पोर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट फ्री एक्सपेंशन. इट इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक. तो फ्री एक्सपेंशन में कैसे हम डिफरेंट थर्मोडायनेमिक फंक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, उन सबको डिस्कस करने वाले हैं. तो हेडिंग डाल लीजिए फ्री एक्सपेंशन. नाम से ही क्लियर पता चल रहा है, फ्रीली एक्सपेंड करें. फ्री का मतलब क्या होता है? किसी तरह का कोई वेट या कुछ भी ना हो. तो अगर गैस को ऐसे एक्सपेंड करें कि उसके बाहर कुछ भी ना हो, कुछ भी ना होने को अपन क्या बोलते हैं? वैक्यूम. तो एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम, दैट इज़ पी एक्सटर्नल क्या होना चाहिए? जीरो. तो फिर उसको क्या बोल देते हैं? फ्री एक्सपेंशन. तो व्हाट इज़ फ्री एक्सपेंशन? एक्सपेंशन ऑफ अ गैस व्हेन पी एक्सटर्नल इज जीरो. इट इज द एक्सपेंशन ऑफ गैस एट पी एक्सटर्नल इक्वल्स टू जीरो, मतलब वैक्यूम. तो वैक्यूम में एक्सपेंशन को अपन बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन. कुछ इस तरह से अपन यहाँ पे सोच सकते हैं कि मान लो ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में यहाँ पे कोई गैस रखी हुई है. इस तरह का जुगाड़ है, यहाँ पे गैस है, करेक्ट, और यहाँ हमने वेट रखा हुआ है और ये वैक्यूम है. पी एक्सटर्नल जीरो है, वैक्यूम है इसमें. जैसे ही ये हटाएंगे अपन वेट, तो वेट हटाते ही बाहर प्रेशर तो है नहीं, तो गैस किसको लिफ्ट कर रही है? किसी को लिफ्ट नहीं कर रही है. इट मींस वर्क डन बाय द गैस यहाँ पे क्या होगा? डब्ल्यू, वही बेसिक फॉर्मूला, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डी वी. वैक्यूम में है, जीरो है, ये वैसे भी हम बोल सकते हैं गैस किसी को लिफ्ट नहीं कर रही है. तो इस केस में W क्या निकल के आएगा? जीरो निकल के आएगा. दूसरी चीज़, ये रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल? तुरंत खुद सोच लो, ये स्लो होगा या फास्ट होगा? तो बताओ, यहाँ कोई प्रेशर ही नहीं है, जैसे ही वेट हटाया तो ये पिस्टन धीरे धीरे जाएगा क्या? इन्फिनाइट टाइम में जाएगा क्या? नहीं, जब प्रेशर ही नहीं है तो ये तो तुरंत चला जाएगा. तो फ्री एक्सपेंशन ऑलवेज इरिवर्सिबल होते हैं. ऑलवेज इरिवर्सिबल होते हैं. क्लियर हो गई ये लाइन भी? अब गैस काम नहीं कर रही है, वर्क नहीं कर रही है, तो उसकी एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी, और एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी तो हीट एंटर नहीं करेगी. जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल एजेंसीज और एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाते, तो इसमें ये कंडीशन है कि अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो हीट ऑटोमेटिकली ज़ीरो रहनी है. लेकिन अगर किसी ने बोले कि नहीं, हम तो हीट भी कर रहे हैं भाई, यहाँ हीटर और लगा दो, तो हीट तो एंटर करेगी ना, फिर क्यों नहीं करेगी? लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिंपल फ्री एक्सपेंशन वर्ड लिखा हुआ है, तो इट मीन्स हीट एंटर नहीं करेगी. तो यहाँ पे इफ डी क्यू और क्यू जीरो है, मतलब ये एडियाबेटिक भी है, देन क्यू जीरो है, डब्ल्यू जीरो है, तो बताओ इसकी एनर्जी चेंज होगी क्या? नहीं. तो डेल्टा ई को क्या होना पड़ेगा? जीरो. जब एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही है तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा. एन सी वी डेल्टा टी से सोच सकते हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब टी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट. तो फ्री एक्सपेंशन जो होता है वो एडियाबेटिक और आइसोथर्मल दोनों होता है. टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है तो आइसोथर्मल है, और हीट एंटर नहीं कर रही है तो एडियाबेटिक भी है. तो ऑलवेज रिवर्सिबल हो गया, और ये आइसोथर्मल एज वेल एज, सो इट इज आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबेटिक.
लेकिन एडियाबेटिक होना नेसेसरी कंडीशन नहीं है। फिर एडियाबेटिक नहीं है तो टेम्परेचर भी चेंज हो जाएंगे उस केस में, कि मान लो कुछ हीट एंटर कर रही है तो फिर डेफिनेटली डेल्टा एनोटिक का सूचना निकल के आ जाएगा। तो देखिए, चार थर्मोडाइनमिक फंक्शंस की ही बात कर रहे हैं हम। डब्ल्यू हो गया, क्यू हो गया, डेल्टा ई हो गया, अब कौन बचा? डेल्टा एच। क्या होगा जब हीट एंट्री नहीं कर रही है? और एन सी वी डेल्टा एच के लिए क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन? एन सी पी डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या है? ज़ीरो। तो डेफिनेटली डेल्टा एच भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो चारों थर्मोडाइनेमिक फंक्शन ज़ीरो होंगे, डब्ल्यू ज़ीरो, क्यू ज़ीरो, डेल्टा ई ज़ीरो, डेल्टा एच ज़ीरो। बस यहाँ पे एक ही हम कंडीशन मान के चल रहे हैं कि हीट एंटर नहीं कर रही है, और अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो फिर नहीं एंटर करती है, क्वेश्चन में दे रखा है तो कोई टेंशन नहीं है। बट क्वेश्चन में ये नहीं दे सकता कि वर्क नॉट इक्वल टू ज़ीरो, फिर तो वो डेफिनेशन ही खत्म हो जाएगी फ्री एक्सपेंशन की। तो ये था फ्री एक्सपेंशन से रिलेटेड मैटर। इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो अपन बनाएंगे। बट इससे पहले थोड़ा सा एक और ले लेते हैं, लास्ट जो मैटर है अपना इसमें, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होती है? सेम। यही इनिशियल स्टेट है, यही फाइनल स्टेट है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? डेल्टा स्टेट फंक्शन, डेल्टा स्टेट फंक्शन क्या निकल के आएगा? ज़ीरो। इट मीन्स डेल्टा ई, डेल्टा एच ज़ीरो हो गया। और क्यू और डब्ल्यू कैसे होगा? वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे, सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू हो जाएगा। इसके लिए पीवी डायग्राम देख लेते हैं। पीवी डायग्राम, इधर प्रेशर, इधर वॉल्यूम, मान लो ये इस तरह से है, क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा है। तो इसमें वर्क की कैलकुलेशन अपन कैसे करेंगे? देखिए, डेल्टा ई डेल्टा एस तो हो गया, लेकिन क्यू और डब्ल्यू तो बचा हुआ है ना। तो यहाँ हम ऐसे इमेजिन कर लें कि इसके ये दो टुकड़े हो गए, यहाँ से ए एक्स बी वाई के थ्रू ए पे आ रहा है। तो पहले देखिए, अपर हाफ ए एक्स बी, अपर हाफ एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्रेशन को। कैसे पता चलेगा? वॉल्यूम देखो क्या हो रहा है, ए एक्स बी वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्या है? एक्सपेंशन। इट इज वर्क डन बाय द गैस होगा। इट मीन्स अपर हाफ में गैस ने कितना वर्क किया, ये जो शेडेड एरिया है ये पूरा, इतना वर्क जो है वो सिस्टम ने किया, एक्सपेंशन वर्क है ये। कौन सा वर्क है ये? एक्सपेंशन वर्क। ठीक है, फिर वापस यहीं लौटेगा ये, तो बी वाई ए ये कंप्रेशन हो रहा है, तो इसमें वापस वर्क मिल जाएगा, लेकिन कितना वर्क मिलेगा? एरिया अंडर द कर्व। ये तो बताइए, सिस्टम ने ज़्यादा वर्क किया और मिला उसे कम, क्योंकि ये जो अपर हाफ है उसके नीचे जो एरिया है वो है वर्क डन बाय द सिस्टम है, और लोअर हाफ क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो सिस्टम ने वर्क ज़्यादा किया, मतलब उसकी एनर्जी का लॉस ज़्यादा हुआ, और बदले में उसे एनर्जी वर्क कम मिला। तो ओवरऑल क्या बोलेंगे अपन? वर्क वाइज लॉस। या फिर ये वाला जो पार्ट है सर्कल के अंदर अंदर वाला, यही तो बचा फिर इसमें, तो एक्सपेंशन वर्क है, डेफिनेटली ये नेगेटिव आएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम रहेगा ये। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? इसका जो एरिया होगा सर्कल का, वो मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क हो जाएगा, और क्लॉकवाइज में नेगेटिव रहेगा, ये बोल सकते हैं अपन। क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो डेफिनेटली फिर ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, उस केस में कंप्रेशन वर्क आ जाएगा। फिजिक्स से उल्टा है थोड़ा सा साइन कन्वेंशन यहाँ पे।
तो कोई भी डायग्राम हो उसका हम इस तरह से आराम से कंपेरिजन कर सकते हैं, पीवी डायग्राम से एरिया अंडर द कर्व करके अपन उसका वर्क कैलकुलेट कर लेंगे और उसमें नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे तो फिर उसका क्यू आ जाएगा, तो डब्ल्यू हो गया, क्यू हो गया, डेल्टा ई और डेल्टा एच हो गया। इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस को भी हम आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंडिंग करते हैं। कीप वॉचिंग टू इम्प्रूव योर थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? गुड बाय।